रंजन डंगर वाला मुंबई से पूछते हैं, ज्ञान मार्ग कहता है संसार मिथ्या है, इससे ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। भक्ति मार्ग कहता है ईश्वर ही संसार हुआ इसलिए सुंदर है। इन दो विपरीत मान्यताओं को कैसे समझा जाए? पहली बात, ज्ञान मार्ग ये नहीं कहता है कि संसार से संबंध मत रखो। ज्ञान ये कहता है संसार मिथ्या है। पर मेरा प्रश्न है अंजन, क्या तुम्हें मिथ्या लगता है? क्या तुम्हें तुम्हारा स्व सत्य लगता है? अगर अपना स्व सत्य नहीं लगता तो जानिए संसार मिथ्या कभी नहीं लग सकता है। और विपरीत भावना यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। मिथ्या होकर के भी जैसे आकाश में फूल होते नहीं हैं, पर बादलों की आकृतियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो फूल जैसा, हाथी जैसा, किसी और पशु जैसा प्रतीत तो हो सकता है, सुंदर लगता है। मिथ्या है पर सुंदर लग सकता है। ऐसे ही वेदांत कहता है जगत मिथ्या है, पर ये तो नहीं कहा कि वो सुंदर नहीं लग सकता है, क्योंकि ये देखने वाले मन के ऊपर आश्रित होता है कि उसको कैसा दिखता है। वो सत्य है वो असत्य है, ये एक दूसरा विचार हुआ, ये स्वरूपगत विचार हुआ। लेकिन ये कहना कि संसार मिथ्या है तो अब इससे संबंध ना रखो, इसका मतलब तुम्हें मिथ्या लगा ही कब? जो तुम्हें भय आ रहा है कि संबंध रखेंगे तो कहीं फसफसा ना जाए, इसका मतलब अभी मिथ्या लगा ही नहीं है। तो ज्ञान ये नहीं है जो आप समझे हैं। और भक्ति मार्ग में आपने लिखा कि ईश्वर ही संसार हुआ इसलिए सुंदर है, तो पहले ईश्वर कौन है ये जानिए। तो ईश्वर जानना चाहेंगे तो फिर से ज्ञान आ गया। जानेंगे ईश्वर कौन है तभी पता चलेगा ना ये जगत उसका स्वरूप है या नहीं है। तो थोड़ा अभी समझ की चूक हो रही है।